यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को भी तेज कर दिया है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह अपने दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ के पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव भले ही 5 राज्यों में हो लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। यही कारण है कि लखनऊ से दिल्ली तक एक्सरसाइज का दौर चल रहा है। इसी क्रम में अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों और सरकार के साथ बैठकें करेंगे जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधान परिषद में 4 सदस्यों के मनोनीत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पार्टी द्वारा प्रदेश में शुरू किए गए पोस्ट कोविड सेंटर, टीकाकरण, जनजागरण अभियान की समीक्षा होगी। अन्य सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ ही संगठन के कार्यक्रम और अभियानों की भी समीक्षा होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये आपको बता दें कि पार्टी के आगामी अभियानों और कार्यक्रम को लेकर भी मंथन यहां पर बैठक में किया जाएगा। एक महीने के अंदर दूसरी बार लखनऊ पहुंचे बीएल संतोष और यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज से लगातार 3 दिन तक मैराथन बैठक करेंगे। इन 3 दिनों में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जिसमें पहला मुद्दा होगा कि जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उन कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा इन 3 दिनों में तय की जाएगी। इसके साथ साथ संगठन में आगे क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं इसको लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी। इसके साथ ही बीएल संतोष ने पिछली बैठक में तमाम मंत्री, सांसद, विधायक इन सभी को होमवर्क दिया था कि क्षेत्रों में जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से ये जाने कि क्या स्थिति है, उस होमवर्क पर भी कितना काम हुआ है। बीएल संतोष ये तमाम लोगों से पूछेंगे। इन 3 दिनों में चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, हर किसी से बीएल संतोष रूबरू होंगे और अलग अलग बैठक करेंगे। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि एमएलसी की 4 सीटों को लेकर भी तमाम सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, क्या उनको सीट दी जाएगी, इस बात के भी संकेत दिए जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कौन विधायक को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात के संकेत भी इन 3 दिनों की बैठक के दौरान जरूर से दिए जाएंगे। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार दौरे हो रहे हैं, दूसरी बार ये दौरा हो रहा है एक महीने में, कितना महत्वपूर्ण है 2022 के नजरिए से और संगठन को और मजबूत करने के नजरिए से आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, एक महीने के अंदर दूसरी बार संगठन की तह लेने के लिए बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मैं इस वक्त भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हूं और यहां पर बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह दोनों ही यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि कल से ही प्रस्तावित था कि आज दोनों नेता साथ में आएंगे दिल्ली से। तो ऐसे में फिलहाल ये जो दोनों नेता हैं ये साथ में ही भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर के बाद अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ बैठक होगी, मंत्रियों के साथ बैठक होनी है, सांसदों के साथ बैठक होनी है, पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है, मीडिया सेल के साथ बैठक होगी, IT सेल के साथ बैठक होगी। इसके साथ साथ संगठन में जो अलग अलग कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं उन सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। कुल 3 दिन की ये पूरी बैठकें होंगी, मैराथन बैठकें हैं। अब बैठकों का जो मेन सार है वो करीब अगर 10 पॉइंट से समझे कि 10 जो मुख्य मुद्दे होंगे उन्हीं पर ये बैठकें होंगी। पहली बैठक में पॉइंट ये रखा जाएगा कि बीएल संतोष ने पिछली बार की बैठक में तमाम जो लोग हैं उनको ये टास्क दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जाकर पता करें कि क्या कुछ पार्टी की स्थिति है, उसके बारे में पूछेंगे बीएल संतोष। इसके साथ साथ दूसरे कि क्या कुछ जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में पूछेंगे। तीसरा, क्योंकि MLC चुनाव होना है, 4 सीटें जो है खाली हो रही हैं और बीजेपी के पास विधानसभा में बहुमत है, तो ऐसे में इन 4 सीटों पर भाजपा की जीत बिल्कुल तय है, तो क्या सहयोगी दलों को देने से ये सीटें फायदेमंद रहेगा, इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा। इसके साथ साथ बीएल संतोष, चूँकि पिछली बार लिखित में तमाम लोगों को जो है कुछ टास्क दिखे गए थे, उन क्वेश्चन पर उनके आंसर भी लेंगे।
एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है वो ये है कि जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू होने वाले हैं। ऐसे में उन दौरों को देखते हुए क्या कुछ संगठन की तैयारी है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही साथ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ राजनीतिक प्रस्ताव, बिल्कुल विशाल, यानी कि सब चीजों पर निगाह जो है वो रहेगी और ये बैठक जो है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण नजरिए से जो है वो रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मामले पर। अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको इस वक्त दे दें, सरकार अगस्त में बुला सकती है विधानसभा सत्र, सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार, विधानमंडल दल का मॉनसून सत्र अगस्त में संभावित हो सकता है, 6 महीने में जरूरी होता है अगला सत्र, विकास कार्यों को पूरा करने के लिए आ सकता है अनुपूरक बजट। इसके अलावा प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की तैयारी चल रही है।